आज भी हमारी सहरावत पाल के अगर प्रधान हैं पलवल में बारह गांवों के, तो चौधरी हेमराज। मेरे पास एक दिन सहजराम सहरावत थे, वो कह रहे थे कि वो पाल के प्रधान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन चौधरी हेमराज स्वर्ग से धार जाएंगे उसके बाद ये तय होगा कि पाल का प्रधान कौन। तो चौधरी हेमराज को बंसीलाल जिला फरीदाबाद का मुख्यमंत्री घोषित कर। ठीक बात है, बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम चौधरी हेमराज ने बगैर लालच के राव वीरेंद्र ने 5 लाख और एक एम्बेसडर कार के लिए बोला था चौधरी हेमराज। हाँ, चौधरी हेमराज उस टाइम कितने मोटे थे। बहुत बड़ी बात थी। मगर चौधरी हेमराज ने ये कह दिया था, मैं वो फैसला करूंगा जो मेरी जनता कहे। तैयब हुसैन भीम जी का डिक्लेयर है या नहीं कैंडिडेट? नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं है। तैयब हुसैन कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी अभी डिक्लेयर कोई भी कैंडिडेट नहीं है। सिर्फ 4 कैंडिडेट डिक्लेयर है उधर के। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा का चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव को अगर आप माने तो अब लगभग 1.5 महीने से भी कम समय रह गया है, 1.25 महीना रह गया है। और चुनाव के अंदर केवल चुनावी बात होती है, चुनाव के अंदर मुद्दे की बात होती है, चुनाव के अंदर पाल और गोत्र की बात होती है, चुनाव में जाति और धर्म की बात होती है। और हम आपसे लगातार इन कुछ मुद्दों पर लेकर चर्चा में रहते हैं। हमारा प्रयास होता है कि आपके साथ कुछ शख्सियतों को रूबरू कराएं जो आपको ये बताएं कि आखिर चल क्या रहा है। अगर पलवल जिले में आप देखें जहां पाल और गोत्र की बात चलती हो, तो फिर हथीन विधानसभा क्षेत्र ऐसा आता है कि जहां पर राजनीति पाल और गोत्र की चलती है। हर विधानसभा चुनाव के अंदर ये मुद्दा उठता है कि अब की बार कौन सी पाल के पास टिकट जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस हो, और चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, सबके अंदर चलता है कि कौन सी पाल कौन सी पार्टी की तरफ जा सकती है। मैंने पिछले दिनों आपको रावत पाल, डागर पाल और सहरावत पाल के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि कौन सी पाल के प्रति ज़्यादा लोगों में जिज्ञासा है। कुछ इसी को लेकर आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उदयवीर सहरावत। उदयवीर सहरावत जी का आपको परिचय दूं, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। सहरावत पाल का बड़ा गांव है गहलब, गहलब से आते हैं और अभी हाल ही में इन्होंने पिछला जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था। चुनाव में तो पीछे रह गए लेकिन सहरावत पाल के वजूद पर ही ये चुनाव मैदान में थे। उदयवीर जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मग्गू जी। उदयवीर जी आप राजनीति में पुराने जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपके परिवार ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, आपने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा, आपके परिवार में सरपंची भी रही। कितना मायने रखता है हथीन के अंदर पाल और गोत्र का मुद्दा? मग्गू साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी। मैं 1990 से आपको भी जानता हूँ अच्छी तरह से और आप मेरे को जानते हैं। हम, मेरे जो बड़े भाई हैं महेंद्र सिंह सरपंच जी, उन्होंने हमेशा चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर चल के काम किया जी। हमने कभी कोई पार्टी नहीं बदली और ना ही हमारा कभी कोई ऐसा मन विचार हुआ। हमारी जो पाल है सहरावत पाल, सबसे पहले हथीन में हमारे गांव के चौधरी हेमराज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे, विधायक बने थे जी। उसके बाद 72 में उनको कांग्रेस की टिकट मिली, मगर चौधरी रामलीलाल डागर निर्दलीय खड़े हुए, वो हार गए थे। हेमराज जी हार गए? हार गए थे। रामजीलाल जी जीत गए? रामजीलाल जी जीत गए। यानी कि हेमराज जी 1967 में विधायक बने? 68 में। 68 में सबसे पहला हथीन का विधायक देवी सिंह तेवतिया बने जी, वो कांग्रेस की टिकट पे बने जी। जी जी। तो चौधरी साहब जब हार गए थे उसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा चौधरी हेमराज जी ने जी। और वो हमारे पाल के बड़े सम्मानित एक बुजुर्ग भी हैं और पाल के मुखिया भी हैं जी। आज भी हमारी सहरावत पाल के अगर प्रधान हैं पलवल में 12 गांवों के, तो चौधरी हेमराज हैं। मेरे पास एक दिन सहजराम सहरावत थे, वो कह रहे थे कि वो पाल के प्रधान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन चौधरी हेमराज स्वर्ग से धार जाएंगे उसके बाद ये तय होगा कि पाल का प्रधान कौन है जी। चलिए, कंट्रोवर्सी की बात है। हाँ, चलिए, ये तो अभी वो जीवित है जी। हमारे उनके राजनीतिक विचार मतभेद अलग अलग हैं, मगर जो सच्चाई है मैं तो आपसे उसे बयां कर रहा हूं। तो 1968 में
इलेक्शन लड़े, निर्दलीय विधायक बन गए सहरावत पाल से। हाँ जी। और 1972 में उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला, वो चुनाव हार गए। चुनाव हार गए, उसके बाद वो गांव में निर्विरोध 2-3 बार सरपंच भी बने। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने फिर MLA का कोई चुनाव नहीं लड़ा जी। मेरे भाई और उनका आमना सामना चुनाव में हुआ, सरपंच जी के में, महेंद्र जी का, महेंद्र जी का। हाँ। 87 में महेंद्र सिंह, महेंद्र सरपंच के नाम से मशहूर आदमी है। हाँ। गांव गैलप के सरपंच रहे हैं जी। तो मेरे भाई ने उनको 465 वोटों से उस टाइम पराजित किया, सहरावत साहब, सहरावत जी, हाँ, चौधरी हेमराज जी को। लेकिन 82 में भी महेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था सरपंची का जी, उसमें चौधरी हेमराज जीते थे जी, महेंद्र सिंह सरपंच हारे थे। ठीक हाँ, है। यानी कि 82 में हारे और 87 में, 87 में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उसके बाद फिर मुकाबला हुआ एक जी, चौधरी हेमराज का हमारा। हाँ। उसमें फिर हम 47 वोटों से डिफीट हार गए थे। फिर 2009 में फिर मुकाबला हुआ सरपंची पर, सरपंची पर ही। हाँ। उस टाइम योगेंद्र ने फार्म भरा था। हाँ। फार्म चौधरी हेमराज ने भर रखा था, उनका हाँ। स्टूल का निशान था। हाँ। उस वक्त फिर मेरे भाई 247 वोटों से जीते। हाँ। मगर हम चौधरी 1996 में आपके भाई, मैं बताऊंगा आपको जी, जी। बड़ी इंटरेस्टेड बातें हाँ। होती है गांव की, छोटी चौपाल, छोटी पंचायत की, जो यानी कि पंचायत का इलेक्शन और छोटी सरकार कहते हैं उसको, बड़ी इंटरेस्टेड चुनाव होता है और बड़ी इंटरेस्टेड बातें हैं ये। जब चौधरी हेमराज को 87 में हराया था महेंद्र सिंह ने, तो भगवान सा रावत उस टाइम MLA बने थे जी, लोकदल की टिकट पर जी। तो हम बहिन गए थे एक बच्चे के लिए। हाँ। मुझे आज भी वो रिश्ता करने के लिए। नहीं, रिश्ते के लिए नहीं, लगवाने के लिए। अच्छा, बच्चा लगवाने। हाँ, बच्चा लगवाने के लिए भगवान साहब जी के, भगवान साहब जी के पास बहिन गांव में गए थे। तो वहाँ बहुत ऊपर छत पे लोग बैठे थे, तो भगवान साहब जी तैयार हो रहे, तो वो बाहर निकलते ही जैसे ही उन्होंने महेंद्र सिंह को देखा तो गले लगा लिया, भाई चौधरी बंसीलाल को हरा के आए। क्यों? एक चौधरी हेमराज को बंसीलाल जिला फरीदाबाद का मुख्यमंत्री घोषित कर। ठीक बात है, बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम चौधरी हेमराज ने बगैर लालच के, हाँ। राव वीरेंद्र ने 5 लाख और एक एम्बेसडर कार के लिए बोला था चौधरी हेमराज। हाँ, चौधरी हेमराज को उस टाइम कितने मोटी बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी बात थी। मगर चौधरी हेमराज ने ये कह दिया था, मैं वो फैसला करूंगा जो मेरी जनता कहेगी। राजनीति के अंदर दोस्तों विरोधाभास हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की चर्चा आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी, जब अपने विरोधी की इतनी कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा हो जी। तो चौधरी हेमराज ने बंसीलाल जी को समर्थन दिया और चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हम छोटे छोटे थे जब वो गांव में आए सको, तो इसलिए भगवान साहब जी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल जी को हरा के आए जी। तो चौधरी बंसीलाल ने ये कह दिया था, आज भी मेरे गांव में पूछ सकते हो, एक भाई फरीदाबाद, उस टाइम पलवल तो था ही नहीं था, हाँ, फरीदाबाद जिला, एक भाई फरीदाबाद जिले का मुखिया चौधरी हेमराज जी, और चौधरी हेमराज ने काम भी कराए थे, मंडी भी बनवाई थी, IIT भी उन्होंने, जो उस टाइम नया हरियाणा डेवलप हो रहा था उसमें काम भी कराए थे जी। मगर कुछ लोग क्या होते हैं, एक राजनीति में देश भावना को रख के उसकी कमियां गिनाते हैं, उसकी अच्छाई एक भी नहीं बताते, जबकि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं जी। वो हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं आज की डेट में, पाल के हमारे पिता के भी समान है, और हम उनका पूरा रिगार्ड करते हैं जी, और वो भी हमारा पूरा रिगार्ड करते हैं जी। हाँ, इलेक्शन अपनी, हाँ जी। तो चौटाला साहब आए थे 93 में, गहलब 93, हाँ 93 में, और उदयवान जी वो थे जिले के अध्यक्ष थे जी। तो जब चौटाला साहब घर आए, तो जैसे ही वो घर में एंट्री करने लगे तो खड़े हो गए, तो घर को देख के बोले, रे महेंद्र, घर में तो तोड़ कर रखा है, यानी कि इतना सुंदर बना रखा है। तो सरपंच साहब ने कहा, जी मेरी माँ के सिर गंजे हो गए कमाते कमाते। तो चौटाला साहब बड़े हंसे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमें 96 में, पार्टी तो रजिस्टर हुई नहीं थी, और हमें टिकट दे दिया समता पार्टी की। समता पार्टी, हाँ,
1987 में चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी का नाम था हरियाणा संघर्ष समिति। यस, लोकदल के नाम पे चुनाव लड़े थे। हाँ, हाँ, और जो चुनाव का निशान था वो बैलों की जोड़ी। बैलों की जोड़ी। 1991 में वो पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी। Yes. समाजवादी जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद में वो बन गई, 1996 का चुनाव हुआ तो समता पार्टी। समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस उसके अध्यक्ष थे। और मशाल चुनाव निशान, मशाल चुनाव निशान था 1996। 2000 के अंदर चौटाला साहब की पार्टी अस्तित्व में आई। यस बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल, पहले उसका नाम हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय। बिल्कुल बिल्कुल। इनेलो बनी और उस दिन से ही आज तक ये इंडियन नेशनल लोकदल है। जो नए मतदाता हैं उनके ये बातें ज्ञानवर्धक हैं, उन्हें पता लग सकता है कि हरियाणा की राजनीति में कौन कब क्या हुआ। बिल्कुल। मैं आपको 67 से आज तक का गिनवा दूंगा। हतीन में कौन सा किस पार्टी से एमएलए बना, कब बना और कैसे बना। चलिए उदयपुर 96 की बताओ। 96 में मग्गू साहब हमें टिकट दे दिया। तो टिकट दिया उस दिन जिस दिन लास्ट नॉमिनेशन था, मतलब नामांकन की आखिरी दिन, आखिरी दिन 3 बजे तक नॉमिनेशन होना था। हाँ। चौधरी हेमराज जी ने पंचायत जोड़ रखी थी वहां रेस्ट हाउस पे हथीन में। हाँ, उन्होंने ये कहा था एक भाई अगर महेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलती है तो फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा जी। और पाल ने सबने यस भी कर दिया था एक जी, अगर महेंद्र को टिकट नहीं मिलती है तो हम चौधरी साहब को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जैसे ही वहां जब लोग हजारों की तादाद में थे, चौधरी रामलीला डागर भी थे जी, तो चौधरी हेमराज ने ये कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब महेंद्र सिंह ही चुनाव लड़ेंगे जी। चौटाला साहब ने उस टाइम थोड़ी सी एक गलती ये हुई, हमें लास्ट डे पे टिकट दिया, टिकट लेट मिली। लेकिन उस वक्त भी हमने 9640 मत प्राप्त किए, 9640। तो मुझे आज भी याद है मग्गू साहब नंबर 2 पर थे मास्टर अजयवंत का तिवारी कांग्रेस से। चौधरी हर्ष कुमार चुनाव जीते थे 1996 में 1650। पहली बार विधायक। हाँ जी, पहली बार चौधरी हर्ष कुमार गठबंधन से बने थे वो। हाँ। हवीबा का बीजेपी का गठबंधन, भाजपा गठबंधन था। तो अजमत खां तिवारी कांग्रेस से थे जी, उनका निशान था 2 पत्ती जी। तो जब काउंटिंग होली रिजल्ट आया तब मास्टर अजमत ने मेरे ही सामने सरपंच साहब से कहा भाई कमाल कर दिया छोरे, अगर तेरे को तो 10-1 दिन पहले टिकट मिल जाते तू तो लपेट सकता था सबको। पर होता वही है इसमें तो देखो, जो तो हर्ष कुमार जी को कितने वोट मिले उस चुनाव? 16,500। 16,500। हाँ, चुनाव जीते। चुनाव जीते। दूसरे पर रहे ये अब मास्टर अजमत तिवारी कांग्रेस से, इनको कितने वोट? 11,300। अच्छा, तीसरे पर वो थे वो जलेब खान निर्दलीय, चौधरी जलेब खान 10,200 जी। और चौथे पे हम थे चौधरी महेंद्र सरपंच, चौथे नंबर। हाँ, पर यस 9640। लेकिन बहुत लोग इस इन चीजों को छुपा जाते हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं 96 का चुनाव जिसमें बता रहे हैं, अगली गिनती में बता देता हूं, वो पहला चुनाव था जिसके अंदर हथीन में भाई बहन आमने सामने थे। यस, भगवान साह रावत को 7200 वोट मिले थे जनता दल की टिकट। भगवान साह रावत इनेलो के पूर्व विधायक, जनता दल के टिकट पर चुनाव चक्कर का निशान था, चक्कर का निशान था। और उनकी जो बहन थी दया रावत, उनको कांग्रेस से मिला था 3200 वोट उनके आए जी। दया चौधरी बाद में न्यायाधीश बनी हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट की, और वो उनका चुनाव एकलौता चुनाव था। यस, एक ही चुनाव लड़ा। और रामानंद ने भी चुनाव लड़ा था 96 में, जो 77 में एमएलए बने थे स्वामी रामानंद। यस जी, वो उसके 7वें-8वें नंबर पे गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 96 का चुनाव हथीन के विधानसभा चुनाव के इतिहास में याद रखा जाएगा, जबकि भाई बहन आमने सामने थे पहली बार। चलिए, लेकिन उसके बाद 2000 में से पहले भगवान सा रावत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ज्वाइन कर गए और बीजेपी से भी गठबंधन हो गया था। हाँ, तो ताकत बन गई जी। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भगवान सा रावत को टिकट दे दिया। लेकिन हमें उस चीज का भी कोई पछताता नहीं हुआ था, हमने उनकी बहुत जबरदस्त वो करी थी मदद। जबकि चौधरी हेमराज का लड़का योगेंद्र सहरावत भी उस टाइम निर्दलीय खड़ा हुआ था। अच्छा, मेरे गांव के थे वो। हाँ, है ना जी। तो योगेंद्र सहरावत की क्या कंडीशन रही थी? योगेंद्र सहरावत को उस टाइम 4700 के करीब वोट मिले निर्दलीय। हाँ, निर्दलीय।
चलिए बहुत वोट थे 2000 के चुनाव, 2000 के चुनाव, मतलब मैं आप ये बताना चाह रहे हो कि सहरावत पाल का डंका रहा है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं जी, सहरावत पाल मग्गू साहब क्या है, हमारी पाल में राजनीतिक इंटरेस्ट बहुत कम है, हमारी गांव में है बस ज्यादा से ज्यादा, वो भी हमारी परिवार में और चौधरी हेमराज के में। मैं पूरे प्रदेश में चौटाला साहब के उसमें रहता हूं प्रोग्रामों में, तो मुझे थोड़ी सी उनसे ज्यादा नॉलेज है जी। अब इन बातों का जब तक बखान बाहर नहीं होगा तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब आपसे आज तक ये पता नहीं होगा कि सहरावतों की कितनी वोट है। सबसे ज्यादा वोट है हथीन में रावतों की जी, और नंबर दो पर है सहरावतों की। डागर या सहरावत? डागर की तो हमसे कम से कम 6-7 हजार वोट कम है। डागर क्या है, डागर जितने भी भोडेर मंडल के गांव है, चाहे वो सौरोत के हैं, चाहे महाबली हैं, चाहे तंवर हैं, क्योंकि ये सब हमारे हैं। ऐसे तो मैं सारे हरियाणा की बता दूंगा, ये भी हमारे हैं। 5 गांव है सिर्फ डागरों के। कौन कौन से? मिंडकोला है, सियारौली है, कान्यौली है, बडहा है और महेशपुर। और महेशपुर ये 5 गांव हो गए। और सहरावतों के? सहरावतों के गहलर गिनती करें तो मंडकोला गांव बहुत बड़ा। हाँ, बस एक ही गांव बड़ा है, बाकी में तो हजारे भी कुछ नहीं कूद रहे वोटों में। अच्छा, और हमारे गांव 5.5-6 हजार वोट तो हमारे गांव में गहलब में। फिर बजादा पहाड़ी में, भमरौला में 1000 वोट, कल साड़ी में 2000 से ऊपर वोट, रतिपुर और भंगोरी में 1500 से ऊपर वोट, रतिपुर में 2500 और टीकरी में भी हमारे ही लोग। तो बताओ हम ज्यादा हुए। अब जबकि अभी तो हमारे मेवात के जो गांव हैं, जैसे ये तो आपने सहरावत बताया, जो बिल्कुल बिल्कुल जो जाटों के गांव, बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाल की बात आप कर रहे हो तो फिर आप कहोगे हाँ, हमारे मुसलमान भाई भी हैं, मेव भाई भी, ब्राह्मण भी हैं, मुसलमान। चलिए, सहरावत साहब, राजनीति में पाल और गोत्र का कितना असर चुनाव में दिखता है? देखो, राजनीतिक दलों ने टिकटें दी, बदली, कभी ऐसा कुछ हुआ? देखो जी, मैं बताऊंगा आपको मग्गू साहब, जंगे आजादी से पहले पालों का एक इतना बड़ा महत्व था, और जंगे आजादी के बाद तक भी जो फैसले सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाते थे वो पाल कर देती थी, वो पाल एक दिन में कर देती थी, और फ्री, कोई वकील नहीं चाहिए, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, केवल दोनों पक्षों की बात सुनी जाती थी, और वो ऐसा फैसला करते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं कर सकता, न्याय होता था। हाँ, मगर मुझे आज एक दादा गौतम की बात याद आ रही है, ना पहले वाले सांप रहे ना वो जहर रहे, अब खापों का वर्चस्व गिरने लगा। क्योंकि खाप के मुखिया राजनीति में आ गए, राजनीति में आ गए, जबकि इनका ये काम नहीं है। खाप के मुखिया का काम है सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, कोई समाज में झगड़ा फसाद हो जाए उनको निपटाएं, उनको निपटाएं, और आज ये मुखिया ही सबसे पहले टिकट मांग रहे, तो बताइए आप फिर खाप का क्या महत्व रह गया? मैं गलत तो नहीं हूं इस जगह पे? रावतों के मुखिया हैं, वो अलग से टिकट मांग रहे हैं, वहां से भूपेंद्र हुड्डा से। डागरों के मुखिया वो अलग मांग रहे हैं, सहरावतों के वो अलग मांग रहे हैं। अब बताओ फैसला कैसे होगा? अपने अपने के लिए मांग रहे हैं, अपने अपने के लिए मांग रहे हैं, मतलब अपने पाल के नहीं मांग रहे, अपने लिए मांग रहे। पाल का क्या मतलब है इनसे, इनका ये तो अपने लिए मांग रहे हैं, अपने लिए। हाँ, मुखिया तो ये कहेगा ना जी, मेरी पाल में टिकट दे, मुझे मत दो। जब तो पाल का मतलब त्याग, यस, जो त्याग कर सकता है मुखिया। जैसे चौधरी हेमराज ने कह दिया था ना जी, एक मुझे 5 लाख और एक एम्बेसडर कार नहीं चाहिए, मैं तो वो फैसला करूंगा जो मेरे लोग कहेंगे। सहरावत साहब, मुझे पिछला विधानसभा चुनाव ध्यान है जी, बीजेपी की जब टिकट चल रही थी, टिकट की बात चल रही थी, तो मुझे भी एक बार वो दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में भी गया हुआ था, वहाँ बात सामने आई, पता लगा कि टिकट डागरपाल को दे रहे हैं, इसलिए कि भाई रावतपाल और डागरपाल का समझौता था, पहले रावत एमएलए बन गया, अब डागरपाल का बनेगा, तो इसलिए क्योंकि जीतने के चांस ज़्यादा रहेंगे इसलिए डागरपाल को दे रहे हैं। मुझे एक बात ध्यान आती है कि
चुनाव था 2014 का, इससे पहले। हाँ, 14 का था। केहर सिंह रावत विधायक बने थे। बिल्कुल। मुझे एक ध्यान आती है कि बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास गए थे, डागर रावत सहरावत पाल के बड़े जो पंच। बिल्कुल गए थे। तो वो आके आप मुझे बताओ। हाँ, क्या वो ऐसा था सर, 2009 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने केहर सिंह को टिकट दिया था जी, और बाबू रामजीलाल भी निर्दलीय खड़े हुए थे जी। तो वो टकराव बन गया, चौधरी हर्ष कुमार कांग्रेस से थे जी, तो जलेब खां निर्दलीय चुनाव जीत गए, उनकी किस्मत में था। फिर 2014 में चुनाव होता है। 2014 में तीनों पालों के मुखिया समन्वय में बनाया, भाई कैसे करोगे, या तो एक इकट्ठे होके वोट मांगो, वो मांगो टिकट मांगो, अन्य अलग अलग करोगे तो फिर बात खराब होगी। तो उसमें क्या था जी, चौटाला साहब मैदान ताम भरती थे जब, तो चौटाला साहब ने वहीं बुलाए, सहरावतों में से भी लोग कुछ गए, कुछ रावतों में से गए, और डागरों में से चौधरी रामजीलाल डागर थे, पूर्व विधायक, पूर्व डागर के पिताजी बाबूजी। तो चौटाला साहब से मिले, तो चौटाला साहब ने कहा भाई बात ऐसी है, मेरे को नाम दे दो अभी, और ये सिंबल ले और अपना कैंडिडेट घोषित है और वो वोट मांग, यानी कि ये कह दिया कि जो पाल पंच। हाँ बिल्कुल, वो फैसला। हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आपके प्रधानों का बहुत विशेष रिगार्ड करते थे और आज भी करते हैं। चौधरी साहब ने कहा भाई बाहर जाके अपना फैसला कर लो। अब पंचों ने ये कह दिया भाई इस मामले को कार्यकर्ता सुलझाएं अपने आप, ना कि पंच, हम किसकी कहेंगे। अब एक कमरे में बैठ गए, अब वहां 8-10 कार्यकर्ता सब इन्हें लोग जो टिकटार्थी थे। देखिए कोई भी वर्कर है चाहे टिकटार्थी में था, एक तो बाबूजी थे प्रायोरिटी पे, खुद रामजीलाल जी, हाँ, केहर सिंह रावत थे, राजेश रावत थे, जवाहर सिंह डागर थे, महेंद्र सिंह सरपंच और मैं थे, मतलब हे वहां 8-10। अब वहां कोई फैसला नहीं हो, चौटाला साहब ने मिठाई का डिब्बा दे दिया और चाय भिजवा दी। बाबू रामजीलाल ने की वो साहब के पास ही चलो, वही फैसला कर देंगे। सब आगे जी बाहर, भीतर साहब के पास, साहब ने की बता भाई क्या फैसला है। तो बाबू रामजीलाल ने कही जी फैसला आप करोगे, वन की देख लो, फिर कह रहा हूं फैसला खुद कर लो तुम, और मेरे को नाम दे और अभी सपोर्ट करो। फिर उन्होंने मना कर दिया जी। तो चौधरी साहब ने जट लेके मिठाई का डिब्बा बाबू रामजीलाल को दे दिया, केहर सिंह को खिला दिया, तो केहर सिंह को टिकट हो गई। जब केहर सिंह को टिकट, यानी कि जब तीनों पाल पहुंच गए। हाँ जी, और तीनों पाल की सहमति भी ले ली। हाँ बिल्कुल, टिकट। तो चौधरी रामजीलाल डागर ने एक बार भी वहां ना मायूसी दिखाई, हाँ, ना वहां कोई विरोध किया, हाँ। उसके बाद एक बहुत बड़ी पंचायत झीरी मंदिर पे हुई थी, झीरी मंदिर नंददास बाबा मिंडगोला में, मशहूर मंदिर है। हाँ, मंदिर वहां बड़े फैसले होते हैं, वहां फैसले हुए, और वहां ये बिल्कुल ईमानदारी से डागर भाइयों ने, रावतों ने, सहरावतों ने एक मत होकर ये कहा था एक भाई केहर सिंह रावत को चुनाव जिताना है, और नंददास बाबा ने सुनी और वो जीत गए। ये हुआ मतलब कि पालों के पंच गए और ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनकी बात मानी और कैंडिडेट दिया और पंचों ने चुनाव जिता दिया। सहरावत पाल की अब क्या दावेदारी है? सहरावत पाल की दावेदारी, मतलब आपको भी लगता है कि हमें भी कोई राइट मिले, हक मिले? मग्गू साहब बहुत दिन हो गए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, राइट मिले, लेकिन अब खाप का वर्चस्व जो मैंने बताया ना, अब आप एक चीज देखिए, उस टाइम ये बात हुई थी कि भाई अगली बार सहरावतों का नंबर है, रावत भी टिकट मांग रहे हैं, अच्छा डागर भी मांग रहे हैं। आपकी पाल के जो मैंने बताया, जो कहते हैं कि मैं पाल का प्रधान हूँ, मैंने तो मकना कह दिया कि नहीं है, सहजराम वो नहीं, हमारी पाल के चौधरी हेमराज इसी जिस चेयर पे आप हैं, इसी चेयर पर सहजराम सहरावत। चलो देखो, वो उनकी अपनी वो है, मैं तो बिल्कुल सच्चाई बोलूंगा, हमारी पाल के प्रधान चौधरी हेमराज हैं और जीवित हैं, बुजुर्ग हैं, जब उनका स्वर्गवास हो जाएगा तब उसके बाद पाल का फैसला। अच्छा, सहरावत पाल का केवल बीजेपी से टिकट चाहती है? नहीं, बीजेपी तो हमें ना आज दे, ना कल दे, ना आगे दे, कोई। मैं आपको इस आपके इस चैनल पे लिख के देता हूं,
सेहरावतों को अगर टिकट देगा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देगा, अभय सिंह चौटाला देगा, नहीं कोई पार्टी हमें टिकट नहीं देंगे। क्यों? क्यों हमारा ज्यादातर झुकाव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल के प्रति, उनके प्रति जी। हाँ, अब बीजेपी को तो हमारी पाल ने इस लोकसभा में ही हरा दिया जी। सारे गांव हम बीजेपी चित्त, रश्मि सहरावत के गांव में जीती बीजेपी। आपने नाम दे दिया रश्मि सहरावत। जिस दिन सहजराम जी मेरे साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने दो नाम दिए। उन्होंने कहा कि जी दो कैंडिडेट हैं, दो नाम हैं बीजेपी के लिए, एक तो रविंदर सहरावत, उनके बेटे हैं शायद वो, अपने बेटे का नाम उन्होंने कहा, और दूसरा कहा योगेंद्र सहरावत। हाँ बिल्कुल, उनका दो ही कैंडिडेट हैं जी। अब देखो जी, और कैंडिडेट ही नहीं है वो, तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। क्यों जी, कहने में किसी का कोई रोक टोक थोड़ी है। जबकि रश्मि सहरावत भी रतिपुर गांव की है, योगेंद्र सहरावत पूर्व विधायक का बेटा है, और गहलम में 5,500 वोट है, ठीक है ना जी। और भमरोला में ही हमारा कैंडिडेट एक और है, वेद पहलवान, इंडियन नेशनल लोकदल से। हाँ, वो बहुत मजबूत है कैंडिडेट भी। हाँ, वो भी अगर उसको भी टिकट चौटाला साहब ने दिया तो पूरी पाल एकदम उस पर टूट के पड़ेगी, वेद पहलवान पे। देखो मैं कभी भी अपने हित की बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से वाकिफ करूंगा। तो आपने कई सारी बातें कर दी। हाँ, तो वो कह दिया कि पाल और योगेंद्र को मिल जाए। हाँ, योगेंद्र के लिए तैयार, रश्मि को मिल जाए उसके लिए तैयार है, लेकिन इनको बीजेपी हमारी पाल को और कांग्रेस टिकट दे ही नहीं सकती। 72 के बाद बस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया, और किसी पार्टी ने नहीं दी। अब उम्मीद है कोई ओम प्रकाश चौटाला जी से? 100% उम्मीद है मुझे, कैंडिडेट डिक्लेयर है बिल्कुल। देखिए इसमें कोई शक नहीं, तैयब हुसैन भीम सिंह का डिक्लेयर है या नहीं कैंडिडेट? नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं है तैयब हुसैन कैंडिडेट, डिक्लेयर नहीं है। नहीं बिल्कुल भी, अभी डिक्लेयर कोई भी कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ 4 कैंडिडेट डिक्लेयर है उधर के, इनेलो के, अभी तक कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है। अच्छा, अगर हमारी तीनों पाल, हाँ, रावत, डागर और सहरावत चौधरी अभय सिंह के पास, मतलब तैयब हुसैन कैंडिडेट नहीं है? नहीं बिल्कुल अभी नहीं है। अच्छा, दावेदार हैं? हाँ दावेदार हैं, कैंडिडेट नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कैंडिडेट तो जब जिस दिन लिस्ट आउट होगी उस दिन कैंडिडेट होंगे। कितना भरोसा ओम प्रकाश चौटाला या अभय सिंह चौटाला आपकी तरफ देख सकते हैं? देखो जी मुझे भरोसा तो उन पे इतना ही हो, कोई बात चली। मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। हाँ, सिंबल पर ही। हाँ, तो मैंने भाई साहब से कहा था कि जी बताओ मैं चुनाव लड़ू सिंबल पे। बोले आज से ही लग जा। मैं 2 साल पहले से चुनाव में लड़ा लग गया। मेरे से लोगों ने कही तूने ये सिंबल है मतले इसे इनेलो का अन्नी तू हारेगा। मैंने की चाहे जमानत जब्त हो जाइए, मैं अभय सिंह का आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और मैं सिंबल पे ही चश्मे पे ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने जबरदस्त फाइट दी फरीदाबाद पलवल जिला परिषद में, 20 वार्ड में अकेला केवल मैं था। आप रिकॉर्ड चेक कर लो जी, कोई तैयारी नहीं हुआ मेरे सेवा, और मैंने ताल ठोक के कहा मैं लड़ूंगा सिंबल पर। जबकि 2019 में जो चुनाव हुआ था, रानी रावत को 119 गांवों में से 1820 मत प्राप्त हुए थे, और मेरे को 12 गांवों में से 4644 मत प्राप्त हुए थे। तो मैंने ग्राफ बढ़ाया घटाया? बढ़ाया बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है तैयब हुसैन ने 2 चुनाव लड़े हैं बसपा पर, और उसने वोट भी अच्छी ली है, कैंडिडेट के वो दावेदार भी हैं, और उन्हें टिकट भी दी जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं है। चलिए आखिरी सवाल है बस। जैसे 2014 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी के पास चली गई थी तीनों पाल इकट्ठी होके जी, क्या अब भी कोई ऐसे चांस बन सकते हैं? चांस तो अभी हम तैयारी ऐसी है, चांस तो बन सकते हैं, मगर अब रावत तो अलग टिकट मांग रहे हैं, चुप जा रहे हैं चौटाला साहब के पास में। नहीं बीजेपी में, बीजेपी और कांग्रेस, और कांग्रेस दो जगह ही, मगर कांग्रेस का तो मुझे लगता है टिकट डिक्लेयर है। हाँ यस, इसराइल को, इसराइल को। देखिए वैसे मैं आप एक चीज बताऊं चर्चा में, मग्गू साहब
चौधरी हर्ष कुमार भी हमारे इलाके के कद्दावर नेता, बिल्कुल कद्दावर नेता। पर जो हर्ष कुमार जी की जो पंचायत मैंने देखी अभी तीन दिन पहले, मुझे लगता है कि हर्ष कुमार जी कांग्रेस से निराश। हाँ यस, ये बात हो सकती है, ये बात पंचायत की। हालांकि मैं पंचायत में गया नहीं ना, बिल्कुल जो देखी, और मुझे ये लगता है कि मैं पर्सनली कह रहा हूँ चौधरी हर्ष कुमार जल्दी कर गए। बिल्कुल कतई, बिल्कुल आपकी 100% सही बात है ये। पर ऐसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग भाई, जब तक आदमी मन से नहीं ये कहता कि मैं अब पहलवानी छोड़ रहा हूँ या राजनीति छोड़ रहा हूँ, तब तक वो काम पूरा नहीं, काम पूरा नहीं होता। एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है, नरवरगढ़ तो वो जाएगा जैसे नरवरगढ़ जाने की हो बान। जी, एमएलए तो बनेंगे वो ही। जी, अब सहरावतों में भी हमारे भी बाढ़ आ रही है कैंडिडेटों के, और आनी भी चाहिए। रावतों में भी आ रही है, डागरों में भी आ रही है। एक तो यूपी का व्यक्ति टिकट मांग रहा है हतीन से, यूपी का। हाँ, वो कौन है? वो है शायद बलजीत, हरजीत डागर। हाँ शायद यूपी के है क्या? हाँ, एक यूपी का है 100%। नहीं, वो तो मिडकोला लिखते, मिडकोला के हरजीत वो लिखने लगे होंगे। एक बंदा है जो भूपेंद्र हुड्डा जी के पास जाके ये कह रहा जी मुझे है वो डागरी, एक जी मुझे टिकट दो हतीन से। हतीन की एक और भी विशेषता बताऊं मग्गू साहब जी, बाहरी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। अच्छा, हाँ देखिए सबको संभाल लेते हैं। 77 में रामानंद, हाँ, जिनका यही पता नहीं था महाराज जी थे। 82 में चौधरी खिल्लन सिंह, हाँ होडल से आए, वो होडल से आए, वासा गांव उनका। हाँ देख ले, उनका गांव भी नहीं था पर ना, चौधरी हर्ष कुमार का गांव भी नहीं है अब, नहीं है, पहले था, पहले था। परिसीमन के बाद चौधरी हर्ष कुमार के गांव अलग हुए हैं। चौधरी हर्ष कुमार परिसीमन के बाद मुझे लगता है कि हतीन में कमजोर हुए थोड़े। हाँ, परिसीमन के बाद वो तीन चुनाव हारे हैं। अगर चौधरी हर्ष कुमार के दो गांव भी होते, जो चुनाव जीते वो परिसीमन से पहले ही जीते। यस, 2005 में निर्दलीय जीते 11,000 वोटों से। चौधरी हर्ष कुमार जब हुड्डा मुख्यमंत्री पहली बार बने थे 2005 में। हाँ 2005 में, और 2000 में भगवान सारा निर्दलीय या कांग्रेस से? निर्दलीय, निर्दलीय। हाँ, 2000 में केवल 1200 वोटों से हारे थे भगवान सारावत से। मतलब ये फर्क बहुत आ गया कि उनकी पाल के जो गांव थे। हाँ, अगर उनके पाल के दो तीन भी गांव हो, हाँ, चौधरी हर्ष कुमार सब एक लंगोट से लुटा दे। चलिए आखिरी सवाल का जवाब दो मेरा, कि सहरावत पाल का ये कोशिश भी है कि टिकट मिले, कोई पाल इकट्ठी हो, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? ये हो सकता है, ये संभव है। देखिए, अगर लोगों में भावना बनेगी, बड़े बुजुर्गों में बनेगी, तो भाई जब अब तीन चार बार तो रावत बना दिए, डागर बली बना दिए, राइट। तो अच्छा, इनकी एक और मैं आप विशेष बात बताऊं दो पालों की। ये जब भी टिकट मांगने जाते हैं तो वहां तो ये सबसे पहले ये कहते हैं सहरावत भी हमारे साथ हैं, मगर टिकट का नाम नहीं लेते। तो खाने में नहीं, ना ना ना, सवाल ही पैदा ना है। तो मतलब आपकी बार सहरावत पाल इनसे उम्मीद करेगी कि आप हमारे साथ चलो। देखो जी, हम तो, मैंने तो अभी भी इंटरव्यू एक दिया था, मैंने कहा है मैंने कि इन दोनों पालों को सिलेंडर करके हमारे पास आना चाहिए, और हमें चाहे चौटाला साहब के पास लेके चलो, या बीजेपी वालों के पास लेके चलो, या हुड्डा साहब के, एक जी राइट अब सहरावतों का। और उम्मीद चौटाला साहब से है? हाँ बिल्कुल, चौटाला साहब से तो मुझे 1000% उम्मीद है। अगर तीनों पाल चलेगी उसी टाइम दे देंगे टिकट सहरावत पर, ये लो। तो ये उदयवीर सहरावत, आपसे बड़ी डिस्कस, आपको राजनीति की वो बातें आज पता चली होंगी कि जिनके बारे में आप शायद सोचते होंगे ऐसा भी था। कह रहे हैं कि सहरावत पाल का राइट बनता है, उनको टिकट मिलने चाहिए। कह रहे हैं कि हथीन में कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर सभी पाल इकट्ठी होकर जाएं तो फिर शायद सहरावत पाल का नंबर लग जाए। राजनीति के ये रंग हैं, और इन रंगों से हम लगातार आपको सरोवार करते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे नई नई शख्सियत से। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बक्कू साहब।